जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। देखिए, हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के बाद अगर कोई एक ऐसी चीज थी जिससे हमारा भारत देश फिर आने वाले समय में अपने शक्ति को प्राप्त कर सकता था, वह यह था कि वह अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाए। और आने वाले समय में ऐसा हुआ भी। तो देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो टेक्नोलॉजी के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है उनको सम्मानित करके इसको मनाया जाता है। और साथ ही साथ भारतीयों को तकनीकी प्रगति को, जो भारतीयों को यह भी याद दिलाने के लिए किया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसको भी याद दिलाने के संदर्भ में इसे मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो 1999 में मनाया गया था और इसकी 1998 में इसकी घोषणा की गई थी। पोखरण में परमाणु परीक्षण जो है सफलतापूर्वक होने के बाद, जो कि दुनिया के सामने एक रहस्य था, कोई नहीं जानता था दुनिया में कि भारत जो है वो परमाणु परीक्षण करने वाला है या कर रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है, कोई नहीं जानता था। कब तक नहीं जानता था? जब तक वह परीक्षण सफलतापूर्वक हो नहीं पाया। और उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने उसके बाद घोषणा कर दी। क्या कर दी? घोषणा कर दी कि भारत जो देश है वो एक परमाणु राज्य, परमाणु राज्य। देखिए, यहाँ पे राज्य लिखने का तात्पर्य है कि आप देखेंगे संविधान में भी हमारे देश को राज्य के रूप में, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश या गुजरात या बिहार से नहीं है, राज्य का मतलब हमारे देश से है। तो हमारे देश को क्या उन्होंने परमाणु राज्य के रूप में घोषित कर दिया कि हमारा देश, भारत देश भी परमाणु राज्य बन चुका है, परमाणु राष्ट्र। फिर बात करते हैं जो मिशन था उसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। और इस मिशन के मार्गदर्शक कौन थे? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में इस सारी चीजों का क्या हो रहा था, प्रक्रियाओं को परिणत किया जा रहा था। आगे मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।